ख्वाजा जी ख्वाजा या गरीब नवाज या गरीब नवाज ख्वाजा जी अगर न हो तक तेरा सितम गरीब नवाज अगर न हो तो तेरा आसता गरीब नवाज गरीब का था ठिकाना कहाँ गरीब गरीब का तो ठिकाना गरीब नवा हर आदमी यहाँ दिल से यकीन रखता के सुन रहे हैं मेरी दास्तां गरीब नवाज के सुन रहे मेरी दास्तां गरीब नवाज चार मिसरे समाप्त फरमाएं। उम्मीद है कि पसंद आएंगे। मुसीबतों में है सारे जहान का सूरज, खुदा निकाल दे अमनो अमान का सूरज। रसूल पाक ने यह कह के भेजा भारत में, मेरा मोइन है हिंदुस्तान का सूरज। मेरा मोइन साजिद भाई, ये इलाका एक ऐसा इलाका है, वापी हो, काशी मीरा हो, संजान हो, भरूच हो, वलसाड़, ये इलाके ऐसे हैं जो हर महीने अजमेर शरीफ जाते हैं लोग। तो चार मिसरे सुने के आई छठी की रात तो खैरात बढ़ा दी, आई छठी की रात तो खैरात बढ़ा दी, फैजो करम की आपने बरसात बढ़ा दी, बुलवा के अपने उर्स में ख्वाजा मोइन ने हर एक जायरीन की औकात बढ़ा दी। और एक जायरीन की औकात बढ़ा दी। कैसा करम ये आपने सरकार कर दिया, मुझको गदाए हैदर कल्लार कर दिया। हीरा था मगर अपनी चमक खो चुका था मैं, हीरा था मगर अपनी चमक खो चुका था मैं। ख्वाजा ने मुझको छू के चमकदार कर दिया, ख्वाजा ने मुझको छू के चमकदार कर दिया, ख्वाजा ने मुझको छू के चमकदार कर दिया। हीरा था मगर अपनी चमक खो चुका था मैं, हीरा था मगर अपनी चमक खो चुका था मैं।
ने मुझको छू के चमकदार कर दिया, आजा ने मुझको छू के चमकदार कर दिया, आजा ने मुझको छू के चमकदार कर दिया। मुझे है तेरी इनायत पे नाजिया ख्वाजा, तेरे करम से हूँ मैं सरफराज या ख्वाजा, तुम्हारा बंदा हूँ मैं बंदा परवरी की कसम, तुम ही हो बंदे के बंदा नवाज या ख्वाजा, तुम ही हो बंदे के नजर कर रहा हूं। ये सन 2024 में लोगों ने बड़ा पसंद फरमाया है। उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूं कि आशिक गरीब नवाज जितने यहां मौजूद हैं इंशाल्लाह सब मजा लेंगे। थोड़ा सा आप लोग बैठ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी, लेफ्ट और राइट में। मेरे ख्वाजा महाराजा, चेयर आ गई हैं। आप लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं।
बैठ जाएं आप लोग, ये महफिल ये बज़्म आपके लिए सजी है। जी जी जी, इंतजाम हो रहा है, आप लोग बैठे रहें, अभी गाने दें, वो बाद में फोटो सेशन बाद में होगा इंशाल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन का जो मिल गया उतारा, आप लोग बैठ जाएं भाई लेफ्ट वाले, मैं चालू नहीं करने दूंगा, जाओ पीछे जाओ मेहरबानी करके, जाओ मेहरबानी करके पीछे जाओ, मैं बंद करवा दूंगा, मैं चालू नहीं रखूंगा, मैं पहले बोला हूं, सुन रहे हो, जाओ मेहरबानी करके। बहुत बड़ा ग्राउंड है तुम्हारे को, क्या बोला मैंने, बहुत बड़ा ग्राउंड है, आराम से सुनो, क्यों धमाल मचा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, शांति जो तुम्हें प्रोग्राम जोशो तो चालू रखे, नहीं तो बंद करी ना भाई। जो बदाज मानस जो पोतपोतानी मनमानी चलावता हो तो मैं आ तुम्हारे हाथ छोड़िए अने विनंती करी ने प्रोग्राम बंद कर दिए। तुम्हें जो एमा इच्छा हो तो अने जो तुम्हें सारू इच्छा हो के सारी रीते गिवंसा वाली नो प्रोग्राम थाय तो आ चालू रखिया भाई। बदाज मानस जो भाई चढ़ावाना अने अड़ी करवाना तो अमे क्या जवाना, अमे चार छ मानस तुमने क्या भूगी हरवाना, 5000 मानस ने थोड़ा शांति रखो, सारा फंडकार ने संभालवाना माटे लोग आया छे, बाकी समझो जरा बारना मेहमानो ने थोड़ो ये आपो कोऑपरेट करो, साथ हमने भी तुम्हें कोऑपरेट करो। 6 महीने पहले होने देगा भाई, साजिद भाई, खान भाई, बैठ जाएं आप लोग अपनी अपनी जगहों पर। हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। हमारी पहचान तो हमारे गरीब नवाज हैं, आप लोग बैठ जाएं अपनी अपनी जगहों पर, बड़ी मेहरबानी होगी। अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, धमाका तो हमारे बराबर में बैठा है, अभी होने वाला है, तो अभी तो मुझे झेलें, उसके बाद अजीम भाई साहब को झेलना है आपको। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रात बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, तो मेरी गुजारिश है कि बहुत सुकून के साथ आप लोगों को पूरी रात दोनों फनकारों को सुनना है। समाज फरमाएं, वो हिंद की पहचान है पहचान रहेगा, वो हिंद की पहचान है पहचान। सरफराज मुखादम साहब का मतला है और हमारा ईमान है इस मतले पर। सब सहारे एक तरफ है, सब सहारे एक तरफ है, ये सहारा
बचपन में हम खड़े हुए, लेकिन अदबन खड़े होकर ये मतलब आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। सब सहारे एक तरफ हैं, ये सहारा एक तरफ, सारे राजा एक तरफ है, सारे राजा एक तरफ है, मेरा ख्वाजा एक तरफ, एक तरफ है मेरा सिवा दिया तूने, जो मांगा मैंने तलब के सिवा दिया तूने, के मुझे हकीर को राजा बना दिया तूने, मुझे हकीर को राजा बना दिया तूने, पड़ा था मैं किसी बाजार में कीमत ही न थी, पड़ा था मैं किसी बाजार में कीमत ही न थी, हे पड़ा था मैं किसी बाजार में कीमत ही न थी, मैं खोटा सिक्का था ख्वाजा चला दिया तूने, सब सहारे एक तरफ है रे सहारा एक तरफ, अभी वक्त उनको भी पढ़ना है, वो अगले टन का आइटम है, माने तो सही। अरे मानो जरा, कह रहा तो
मैंने अगले टन के लिए रखा था, लेकिन ये एजाज भाई पढ़ रहे हैं कि इसी में पढ़ूं। का तुमसे कहूं ऐ ख्वाजा मोई तुम जानत हो मन की बतियां 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 मन की बतियां। हे तुझे क्या बताऊं मैं राज़दा, तुझे क्या करता है। अब जिस जिसने हाथ उठाया वो नीचे बैठे, बैठो अपनी अपनी जगहों पर, अपनी मोहब्बत का सबूत दो, बैठ जाओ वहीं बैठो। हम गरीब नवाज वाले हैं यार, अदब के साथ सुनेंगे इंशाल्लाह। पढ़ रहा हूं मेरे वालिद पढ़ा करते थे, अज खुदा ख्वाहिम तौफीक अदब, बेअदब महरूम शुद अज फजले रब। जो बेअदब होते हैं अल्लाह के फजल से महरूम रहते हैं। हमें मजा भी लेना है तो अदब के साथ लेना है, क्योंकि हमारे करीने में अदब पहला करीना है। अब किसने ये कलाम सुना है उनकी नजर कर रहा हूं, और जिसके ये मिसरे याद हैं, क्योंकि ये मिडनाइट का वक्त है, हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में ये सोचकर मिसरे पढ़े कि आप सरकार गरीब नवाज इन मिसरों को कबूल फरमा रहे हैं और सुन रहे हैं। जरा मेरे साथ कहें एक बार, ओ तुझे क्या बता तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, जाने जाना तुमको पाया है।
500 बार नहीं बोलूंगा मैं, बंद कर दूंगा मैं, पहले बोल रहा हूं आपको, मैंने क्या बोला, मेहरबानी करके हाथ छोड़ रहा हूं ना तुम्हारे लिए मैं। हाँ नहीं समझ में आ रही एक बात भी दिमाग में आपके? हाँ सुनने के लिए लाया हूं ना, दिख रहा है ना आपको? ख्वाजा जी शकील बाबा बेदम शवारसी साहब फरमाते हैं, फजले रब्बे जुल्मनन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन जाने पाके पंजतन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन ए गरीबों के हिमायत बेकसों के दस्तगीर यक नजर पर मन फिगन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन तुझे क्या बताऊं मैं राज़दा माने से किनारा करके मुझ पे मेहरबान हो गई तेरी नजर या ख्वाजा मेहरबान हो गई आसान हो गई मेरे ख्वाजा तुम पता दे दे वो किस्मत को
में पहचान हो गई मेरे ख्वाजा तुम बता बैठ जाए जरा ये शेर बैठ के सुनने तो बड़ा मजा आएगा जो हमारे हजरत ये कैमरे का जो पॉट खड़ा है जरा इसे साइड कर दें मैं आप लोगों से तो वो जो चाहूंगा इन चंद मिसरों पे क्योंकि ऐसा नवाजा आपने अल्लाह की कसम सब मेरे मुकद्दर की तरफ देख रहे हैं मैं तो यहां सरकार की महफिल में मगन हूं सरकार मेरे घर की तरफ देख रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन और साबिर अलाउद्दीन दोनों वली हमारे हैं ये चंद मिसरे हैं लेकिन बेपनाह है क्योंकि मेरी निस्बत हुजूर मखदूम साबिर पाक के दरबार से है और तूर नियाजी साहब ने ये मिसरे लिखे थे लाज रख लो मेरी मैं आपका कहलाता हूं आपके मंगतों में सरकार गिना जाता हूं फिक्रे फरदा से ये कह कह के सुकून पाता हूं छोड़ दामन मेरा मैं साबरी कहलाता हूं तो अपने मखदूम की निस्बत से ये मिसरे पढ़ रहा हूं इस जर्रा नवाजी के तो लायक नहीं था मैं जर्रा नवाजी के तो लायक नहीं था मैं तुमने मेरे नसीब को मामूर कर दिया तुमने मेरे नसीब को मामूर कर दिया कल तक तो मेरे नाम से वाकिफ न था कोई कल तक तो मेरे नाम से वाकिफ न था कोई हाजी असलम साहब हमारे बुजुर्गवार यहाँ तशरीफ ला चुके हैं तौसीफ भाई मैं इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ मैं हाँ वो मिसरे पढ़ रहा हूँ इस जर्रा नवाजी के तो लायक नहीं था मैं इस जर्रा नवाजी के तो लायक नहीं था मैं तुमने मेरे नसीब को मामूर कर दिया तुमने मेरे नसीब को मामूर कर दिया कल तक तो मेरे नाम से वाकिफ न था कोई कल तक तो मेरे नाम से वाकिफ न था कोई तेरे करम ने दुनिया में मशहूर कर दिया मेरे ख्वाजा तुम सकता फिरता हूँ मारा मारा मुझे कह नहीं सकता तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा अब कोई बेसहारा मुझे कह नहीं सकता मेरे ख्वाजा तुम ग्राम चंद ये सिर्फ तीन शेर आखिर के पढ़ रहा हूं लेकिन हमारी जिंदगियों के साथ है इसमें ना किसी पैसे का लालच है ना किसी शोहरत का लालच है सिर्फ एक अकीदत है हुजूर बारगाह गरीब नवाज से और हुजूर से ये इल्तजा भी है मैं खासतौर से तो वो जो जाऊंगा इस शेर पर तमाम अपने बड़ों से भी माल दौलत की तमन्ना न मुझे शोहरत की माल दौलत की
कुछ भी दे दे तमाम फनकारों की ज़िंदगी है। बारगाह मोहीन में नज़र कर रहा हूँ और आपकी और हमारी तो यकीनन है, तो इस शेर पर बिलखसूस तवज्जो चाहूँगा। मैं तो तोरे दामन से लगी महाराज, कृपा कीजो दर्शन दीजो राजन के महाराज। मैं तो तोरे दामन से लगी नजर कर रहा हूं। क्यों किसी गैर के दर पे मैं झुकाऊं सर को, क्यों किसी गैर के मुझको अल्लाह ने भेजा है, मुझको अल्लाह ने भेजा है तुम्हारा करके, मुझको अल्लाह ने भेजा है। कोई ना दीन खाजा मुझको अल्लाह ये खाजा माने की शकील उनकी चौखट की